अमेरिका की चुनौती को चैलेंज करने के बाद अब लगता है कि इसराइल के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अभी तक इसराइल गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों पर हमले कर रहा था, तो उसके पीछे अमेरिका की ताकत थी। इसराइल पर अमेरिका का हाथ होने की वजह से इराक के कई समूह बहुत खुलकर इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, लेकिन अमेरिका के हाल के एक बयान ने इसराइल के विरोधियों को ताकत दे दी है। दरअसल कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने इसराइल को चेतावनी दी थी कि वो गाजा में आम लोगों का नरसंहार न करे, नहीं तो अमेरिका उसे मदद देना बंद कर देगा। इसके जवाब में इसराइल ने कहा कि अमेरिका मदद बंद कर देगा तब भी वो रुकने वाला नहीं है, उसके पास हथियार और लड़ने की क्षमता है। इससे इसराइल के विरोधियों को साफ इशारा मिल गया कि अब अमेरिका उस तरह से इसराइल का साथ नहीं देगा जैसा कि अभी तक दे रहा था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जैसे जैसे इसराइल गाजा में अपनी क्रूरता बढ़ाता जा रहा है, अब उसे इराकी इस्लामी रेजिस्टेंस का उसी भाषा में जवाब भी मिल रहा है। इराकी समूह ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों में ऑपरेशन अल अरकाब शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत इराकी समूह ने इजरायली कब्जे वाले वाडी अरिहा और बीर अल साबे के पूर्व में स्थित नेवातिम एयरबेस में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाया है। इस समूह द्वारा जारी एक बयान के अनुसार ऑपरेशन अल अरकाब के तहत इसराइल द्वारा कब्जाए गए इलाकों में क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया है। समूह का कहना है कि निर्दोष महिलाओं और बच्चों सहित फिलिस्तीनी नागरिकों पर इसराइल द्वारा किए गए अत्याचार और उनके नरसंहार के जवाब में यह अभियान चलाया गया है। समूह ने हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर गुरुवार को ताजा ड्रोन हमला किया है। इससे पहले बुधवार को इस समूह ने ड्रोन के जरिए दक्षिणी कब्जे वाले फिलिस्तीन में अल रशरश या इलाट में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। सूत्रों के मुताबिक हमले के लिए समूह ने अल अरफात आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया। दूसरे ड्रोन के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल सकी है। ये नया अभियान शुरू करने से पहले इराकी समूह ने इजरायली नेवातिम एयरबेस पर लगातार निशाना साधा है। इस एयरबेस पर सबसे लेटेस्ट हमला 9 मई को हुआ था। जिस तरह से इसराइल के खिलाफ हमले बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि अब उसे अपनी उस गलती का पछतावा हो जो उसने अमेरिका की चुनौती को चैलेंज करके किया। हालांकि आगे युद्ध की दिशा क्या होगी, क्या फिर इसराइल को घिरता देख अमेरिका वापस इसराइल का साथ देगा, इसके जवाब के लिए युद्ध में शामिल देशों और समूहों के अगले कदम का इंतजार करना होगा।